हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन दक्ष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टॉपर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मज़े में होंगे, आप बिल्कुल खुश होंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं ये वीडियो काफ़ी समय बाद आ रही है। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन अब आपका भाई बिल्कुल फ्री है और डेली वीडियो बनेगी, डेली वीडियो आएगी। तो दोस्तों, जो ये वाली वीडियो है ये काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो किसके लिए फ़ायदेमंद होगी, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। जो भी बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। चलिए देखते हैं कैसे बेनिफिट करेगी। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र खोल लेना है, कोई भी ब्राउज़र हो, जैसे क्रोम, ओपरा मिनी, या फिर आपको कोई भी ब्राउज़र हो जो आपके मोबाइल में हो। जो उसका एड्रेस बार है उसमें आपको टाइप करना है ड्रीम टॉपर, और मेरे दोस्त ड्रीम टॉपर के लास्ट में आपको लगा देना है डॉट इन। जी हाँ, आपको डॉट इन लगाना है, डॉट कॉम नहीं लगाना है, ड्रीम टॉपर डॉट इन। जैसे ही आप ओपन करेंगे, ये एक वेबसाइट है जो आपके सामने ओपन हो जाएगी। एक्चुअली ये हमारी ही वेबसाइट है, जो इस वाली वेबसाइट में ये आप मेन्यू बार देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस मेन्यू बार में क्लिक करने के बाद आप जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके सामने एक मेन्यू आएगा यहाँ पे, जिसका नाम है बीकॉम ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है मेरे भाई, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। मैं आपको यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। देखिए बीच में इसके ऐड आ गया, ठीक है। अगर इस तरह का कोई ऐड आ जाता है तो वो आपको यहाँ से कट कर देना है, मे बी आपके सामने ना आए। फिर आपको उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो मेरे भाई, जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखिए आपके सामने आ जाएगा कॉर्पोरेट अकाउंट। यहाँ पे लिखा है कॉर्पोरेट अकाउंट, और उसके बाद इसे आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ टेस्ट। एक्चुअली ये थोड़ा अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है, इसका ये कारण है क्योंकि मैं ये वीडियो अपने फ़ोन से बना रहा हूँ और मैंने फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड में ऑन किया हुआ है। अगर मैं इसे देखो लैंडस्केप मोड में क्लिक ओपन करता हूँ तो ये पूरा आपके जो मोबाइल विंडो है उसमें अच्छे से आ जाएगा। फिर मैं इसे वापस ऐसे ही कर लेता हूँ। जो ये स्टार्ट बटन लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है आपका ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट करने के लिए। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के हैं। देखिए जैसे बीकॉम ऑडिटिंग है, बीकॉम ऑडिटिंग का भी इसमें ऑनलाइन टेस्ट हमने डाला हुआ है। अब आप कहेंगे कि भैया ऑनलाइन टेस्ट की हमें क्या नीड है, इससे हमारा कैसे फ़ायदा हो सकता है? तो जैसे ही आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे उसके बाद आप इसे टेस्ट को देकर देख सकते हैं। इस टेस्ट का जो पैटर्न है वो पूरा CCS यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। 100 क्वेश्चन का ये आपका टेस्ट होगा और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपकी 2 आवर्स है, ठीक है। और इसमें जो पासिंग सिस्टम है वो सारा CCS से मिलता जुलता है। इसके बाद देखिए जैसे बीकॉम ऑडिटिंग है, बीकॉम ऑडिटिंग का भी ऑनलाइन टेस्ट है। मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम है, इसका भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑनलाइन टेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है, इसका भी आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका भी आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा। जो ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है ये अब चेंज हो चुका है ई कॉमर्स में, ठीक है। ये आपका ई कॉमर्स में हो चुका है तो आप टेंशन नहीं लेंगे। आप एक बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी पेपर जो टेस्ट है वो दे के देख लेंगे, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट मिलते जुलते हैं तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो सेम आएंगे। इसमें हम आपका अपडेट करा देंगे, ई कॉमर्स का भी हम डलवा देंगे। फिर इसके बाद ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, आई थिंक ये भी चेंज हो चुका है। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट चेंज हैं वे सारे के सारे इसमें अपडेट करा दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट डले हुए हैं और समय समय पर हम इन्हें चेंज भी करते रहेंगे। तो अब मन में सवाल आता है कि टेस्ट देना कैसे है। सपोज करो जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ ऑडिटिंग का टेस्ट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है। जो ये ऑडिटिंग है इसमें हमें स्टार्ट वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही साथ ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, जैसे नेम,
नहीं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सचिन। फिर ही आपसे मेल आईडी पूछेगा। मेल आईडी में आपको अपनी मेल आईडी डालनी है। ध्यान रखेंगे, मेरी मेल आईडी नहीं डालनी है आपको, केवल अपनी ही मेल आईडी डालनी है। मोबाइल नंबर में आपको मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे मेरे भैया आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रहा है बीकॉम ऑडिटिंग, और उसके नीचे आप देख रहे हैं जो टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। टाइमिंग जो ये 2 आवर्स की टाइमिंग है, इसके अंदर ही आपको अपना टेस्ट क्लियर करना है। जैसे क्वेश्चन है ओडिटी ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो ऑडिट अंकेक्षण का जो कार्यपत्र है वो किसकी संपत्ति है। तो यहाँ से हम लगा देंगे अंकेक्षक की, यानी ऑडिटर्स की। देखिए ये जो मेरा क्वेश्चन का आंसर है ये बिल्कुल सही है, इसलिए इस पे राइट होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सपोज करें आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं, सपोज करो जैसे मैं इसका सेकंड वाला लगा देता हूँ, तो ये गलत आंसर है इसका। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, और ऐसे ही आपको अपने सभी क्वेश्चनों के आंसर फिलअप करने हैं। जैसे है बोनस अंशों का निर्गमन किया जाता है, तो यहाँ पे जो भी इसका आंसर होगा वो आपको लगा देना है, ठीक है। इसी तरह से आपको अपने सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर लगाने हैं, और जो ये टाइम ड्यूरेशन देख रहे हैं मेरे भाई, इसी के अंदर लगाने हैं 2 आवर्स के अंदर। जैसे आपका पूरा ये एग्ज़ाम हो जाएगा, आप 100 के 100 क्वेश्चन फिलअप कर देंगे, यानी इनके आंसर दे देंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका आपका जो रिजल्ट पेज होगा उस पर आपको ले जाएगा। मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ अभी। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा डू यू वॉन्ट टू फिनिश द क्विज, आर यू श्योर, मैं करता हूँ ओके। देखिए मेरे भाई, जैसे ही मैंने इस पे फिनिश पे क्लिक किया था तो मेरे सामने इसका रिजल्ट आ गया। यहाँ पे लिखा आ रहा है फेल, यानी कि मैंने केवल 2 ही आंसर दिए थे, तो सीधी सी बात है मैं फेल ही होऊंगा, ठीक है, ये फेल आ रहा है। इसके नीचे है डियर सचिन, ओ नो यू आर फेल इन बीकॉम ऑडिटिंग, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा रहा है योर स्कोर इज़ लेस देन 67, जो मेरा स्कोर है वो 67 से कम है, मैं इसे शायद चेंज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्लीज़ डू स्टडी एंड ट्राई अगेन। इसके बाद जो हमारा स्कोर है योर स्कोर इज़ 1, यानी जो मेरा स्कोर है वो केवल 1 ही अंक आया है मेरा, यानी मैंने 1 ही सही किया था 100 में से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल 1 ही सही हुआ था, और उसके बाद देखिए मैंने सारे गलत किए हैं, और उसके बाद के जो आंसर थे वो मैंने फिलअप ही नहीं किए, उससे नीचे के आंसर मैंने कोई भी नहीं दिया। दोस्तों इस क्विज का एक बेनिफिट और है, इस क्विज को देने के बाद आपके पास एक मेल आएगा, ठीक है, जो आपने मेल आईडी डाली हुई है आपके पास उसी का एक मेल आएगा। मैं आपको मेल दिखाता हूँ। देखिए मेरे भाई, आपके पास इस तरह से मेल आएगा, ड्रीम टॉपर ऑनलाइन टेस्ट का वो होगा ये, ठीक है। और इस मेल जो ये मेल होगा इसमें लिखा होगा डियर सचिन, और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो होगा। यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो आपका 1% है, क्योंकि आपने केवल 1 का ही सही आंसर दिया था, और जो हमारे रॉन्ग क्वेश्चन हैं वो 99 थे, और हमने जो अटैम्प्ट नहीं किए वो 96 क्वेश्चन थे। यहाँ पे नाम आएगा आपका, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आएगी, और यहाँ पे आपका सारा का सारा क्वेश्चन आएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था ये था, इसका जो सही आंसर था वो ऑडिटर था, और हमने भी ऑडिटर ही लगाया था, इसलिए यहाँ पे सक्सेस आया है। और जो सेकंड क्वेश्चन था, इसका सही आंसर था ये आपका वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, लेकिन जो हमने सेलेक्ट किया था वो ये किया था, इसलिए हम यहाँ पे फेल हो गए थे। और जैसे ही नीचे देखें, हम सभी क्वेश्चनों में फेल हैं, क्योंकि हमने किसी का भी आंसर नहीं दिया है। इस तरह से आप अपने ऑनलाइन टेस्ट देकर देख सकते हैं, तो आपको आपकी तैयारी के बारे में पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। ये वेबसाइट है, यही आपको बताएगी कैसे आपको करना है। ठीक है, आपको आपका रिजल्ट भी पता चलता रहेगा, और आपको आपकी तैयारी भी पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी कैसी है। इसलिए थैंक यू दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।